हेलो गाइस, हम हाईवे पे आए हैं। हमारी कार यह हम है और हमें एक होटल पे आए हैं, राजस्थानी होटल, चाय पीने, चाय नाश्ता करने। आज आपको पूरा ब्लॉगिंग बताएंगे। अब हम इस वक्त तमिलनाडु में हैं, स्टेट तमिलनाडु। तो हम एक राजस्थानी होटल है, राजस्थान जोधपुर होटल, ये देखिए आप, चाय पानी नाश्ता करेंगे। थोड़ा सर्फ नहीं आएगा क्योंकि बादल है तो डार्कनेस हो रखी है, इसलिए साफ नहीं आएगा। तो देखिए आइए, चाय पीजिए, क्योंकि सुबह हम जल्दी उठे हैं तो थोड़ा चेहरा भी आएगा ऐसा। तो इफ यू डोंट माइंड, आ जाइए, चाय पीजिए। जोधपुर होटल, राजस्थान जोधपुर, बड़ी होटल है और पीछे हाईवे चल रही है। अब हम चाय, भाई साहब चाय, तो राजस्थान वाले भैया सो रहे, अभी उठ जाए चाय। कैसी चाय मिलती है, थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे आप? एकदम मारवाड़ी कड़क चाय मिलती है भाई, मारवाड़ी कड़क चाय। ये जो पीछे देख रहे हो जलेबी की तरह आटा, हाँ वो लैंग्वेज है, तमिलनाडु की लैंग्वेज है। आप देख सकते हो हमारी एक्सप्रेस खड़ी है, ये तमिलनाडु की लैंग्वेज है। किसी को पता चले तो जरूर बताना क्या लिखा हुआ है, मेरे को खुद को नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। तो हम हमारे भैया चाय बनाने लग गए हैं, तो हम चाय पियेंगे। भैया का थोड़ा थोड़ा चाय बनाना है ना, ये चाय का, ओनली चाय का ढाबा है। चाय नाश्ता भी मिलता है, ओनली फॉर चाय बिस्किट से ही काम चलाना पड़ेगा अभी फिलहाल। हाँ मिलते हैं, इनकी चाय कैसी होती है बताएंगे आपका एक्सपीरियंस। कभी होटल मिले तो देखना जरूर, राजस्थान होटल है जोधपुर, राजस्थान होटल। गाइस मिलते हैं, गाइस वेलकम बैक, हम आ गए अभी से चाय पी के। आप कंटिन्यू बने रहिए, हम चाय पी के आ गए। भैया की चाय अच्छी थी, राजस्थान जोधपुर होटल नाम है, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। बस चाय नाश्ता मिला यहाँ पे, कुछ ज़्यादा नहीं था खाने को। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ जाएंगे हम, कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या मिलता है। साउथ का इडली सांभर, डोसा, ये सब खाने को आज मन कर रहा है। काफ़ी दिनों से बाहर निकले हम लॉकडाउन खुलने के बाद, तो सोचे कि हम कुछ साउथ इंडियन खाएं, इडली डोसा हो गया या सांभर हो गई या रसम हो गई, ताकि रसम बहुत ज़बरदस्त मिलती है, बहुत फेमस होती है। आप कभी खा के देखना, यहाँ आओगे टूरिंग तो रसम, दाल चावल के साथ रसम मिलती है, वो आप खाओगे तो खाते रह जाओगे, इतनी ज़बरदस्त मिलती है। सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है रसम, खा के देखना गाइस, बहुत अच्छी। और हम अभी निकल रहे हैं वापस जवान हो रहे, ठीक है। कहाँ गए भैया साहब? भैया जी चले यो, वो रेस्टिंग कर रहे हैं, अभी हम निकलने की कोशिश जारी है। ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु में थोड़ी गर्मी है वैसे, है ना? ये गर्मी है, हमारा प्रोडक्ट आइटम्स है जो हम डिलीवरी देने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं अंदर इमरजेंसी डिलीवरी है, मेडिसिन का आइटम्स है जो हम सप्लाई कर रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब, तो उनके साथ हम भी जा रहे हैं आज ट्रैवलिंग के लिए। आज पूरा दिन ट्रैवलिंग व्लॉग होगा, तो आप देखते रहिए कंटिन्यू ट्रैवलिंग व्लॉग और प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आगे। ये देखिए गाइस, कृष्णागिरी सिटी है, चेन्नई हाईवे, चेन्नई हाईवे पे बना हुआ है कृष्णागिरी। तो देखिए
कृष्णा गए तमिलनाडु, यार यहाँ पे वेदर अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है। चेन्नई 255 बड़ी हाईवे है, चेन्नई की है, चेन्नई है, चेन्नई हाईवे है, यहाँ पे गर्मी बहुत है भाई। बैंगलोर जैसा मौसम नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे गर्मी तो नहीं है, यहाँ पे तो निकल गई है। कोई तो ऐसी चला दो, गाइज फाइनली हम पहुंच गए हैं। कौन सा ये गांव, कौन सा? मादनूर। मादनूर, हाँ, जहाँ हम आना थे वहाँ पे पहुंच गए मादनूर में। ये हमारी गाड़ी अनलोड हो रही है, देखिए जहाँ हम पूरी गाड़ी अनलोड होगी, यहाँ पे माल देने के लिए हम पहुंच गए टाइम पे। तो सुबह के क्या टाइम हो गया, 10:30 हम पहुंच गए हैं। तो अभी सुबह की 10:30 है, हम सुबह 5 निकले थे। और यहाँ पे गर्मी बहुत है गाइस, तो वीडियो शूट थोड़ा कम हो रहा है। ये गाड़ी काली वाली हमारी मार्केटिंग है, नंदी मार्केटिंग, देख सकते हो आप। हम पहुंच गए हैं, माल पूरी अनलोड हो रहा है धीरे धीरे। तो गाइस देख सकते हैं, ये है हमारा, ये तमिलनाडु का एरिया है, ये तमिलनाडु मादनूर ब्रांच। ये तमिल बोल रहे हैं, बात कर होता है तमिल, किसी को समझ नहीं आएगी। हाँ ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लो गाइस, तो हम हमारी गाड़ी खाली हो गई है और हम रेस्ट कर रहे हैं 5 ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको लगा हो जैकेट को खोल दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लाइक जैसे राजस्थान में अभी इस टाइम पे कितनी गर्मी पड़ती होगी, इतनी गर्मी यहाँ पे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, ऐसी भी चल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है तमिलनाडु में। तो हमारा गाड़ी खाली हो गई, हमारे ड्राइवर साहब अब आते ही होंगे, तो हम चलेंगे और फिर खाना खाएंगे, भूख लगी है। चलो साउथ इंडियन खाना खाएंगे, बहुत टेस्टी टेस्टी रसम मिलती है यहाँ के, तो वो खाना खाएंगे अपन। दाल चावल के साथ रेसिपी मिलती है बहुत ज़बरदस्त टेस्टी वाली। तो हम विचार कर रहे हैं कि क्या खाना खाए, हम ब्लॉग में दिखाएंगे क्या खाना है क्या नहीं है, टेस्ट कितना है वो ज़रूर बताएंगे आपको। आप कंटिन्यू बस लगे रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कैसा बना ब्लॉग जरूर बताएं, क्योंकि हमारी न्यू जर्नी अभी स्टार्ट हुई है यूट्यूब पे। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए एंड ढेर सारा प्यार दीजिए, और चलो मिलते हैं अब खाने के टाइम पे, ठीक है, लेट्स गो। कर्नाटक बैंगलोर के अंदर एंट्री कर रहे हैं अभी, और हमारा ब्लॉग वही क्लोज होता है, ट्रैवलिंग ब्लॉग, बहुत लंबा सफ़र हो गया, और वहाँ पे बहुत गर्मी थी तमिलनाडु में, और हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा गर्मी, और बोर तो नहीं हुए, अच्छा रहा, सुहाना सफ़र रहा तमिलनाडु का। और हमारा ब्लॉग यही ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप थोड़ा सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको, थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।
थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरा चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे।